इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इजराइल आज उसका डिफेंस सिस्टम भारत उसे लेता है, सबसे बड़ा असले का खरीदार है। सऊदी अरब उससे असला ले रहा है। असला किस लिए ले रहा है? वो उस बंदे से असला उसको माल कर रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया में उनकी चीजें हैं। अब देखिए, छोटा सा मुल्क है, सारी बातें में हमारी वजह क्या है? डॉक्टर साहब इसका नहीं शामिल, ये मामला डॉक्टर साहब को करें। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ये इस तरह का कभी अटैक नहीं हुआ हमास की तरफ से या फलस्तीनियों की तरफ से जिस तरह इस दफा हुआ है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? या हम वही देख रहे हैं कि वो एक अगर इसराइली मारा जाता है तो वो 100 फलस्तीनियों को शहीद कर देते? उसामा साहब, हमेशा से यही होता है कि इसराइल की जो अफवाज है, इसराइल के पास दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन है, सबसे जदीद असला है, उनके पास अफवाज हैं, उनके पास असला है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरी तरफ हमास है, उस पर बैन है कि वो असला रख ही नहीं सकती। वो बेचारे पत्थरों से लड़ रहे होते हैं, ये आगे से गोलियां मार रहे होते हैं, एरोप्लेन से बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं, जिस तरह से उन्होंने हमास के हेड ऑफिस में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, वहाँ पर कितने कई 100 रॉकेट दे मारे कि वो अल्टीमेटली बिल्डिंग ही गिर गई। तो ये इसराइल के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये क्या हुआ, इनके पास कहाँ से रॉकेट आ गए हैं जो उन्होंने अटैक किया है। उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब रिटेलिएशन होगी और इसराइल के भी 150 बंदे मरेंगे तो इसराइल को लग पता जाएगा कि जब उनके अपने शहरियों का प्रेशर आएगा। अब तो पिछले 50 साल से ये हो रहा है कि वो जब दिल करता है इन पे निहत्तों पे चढ़ाई कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, औरतों को मारते हैं, टैंक चढ़ा देते हैं। ये पिछले 50 साल की हिस्ट्री है जी। अगर उनके पास भी असला हो, वो लड़ना इनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो इनसे बेहतर लड़ सकते हैं। उसामा साहब, अगर उनको असला दिया जाए तो मैं देखूंगा कि इसराइल कैसे इन पे अटैक करता है। टांगे कांपेंगे इनकी आगे, जब रिटेलिएशन होगी तो स्ट्रांग। अभी तो स्ट्रैटेजी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है डॉक्टर साहब। मैंने आपने देखी, मैं ये सारी मुस्लिम वाली जो है ना, समझ ना, इनका नाम ना ले डॉक्टर साहब, ये ना करें इस पे बात, उसको उसकी ये मदद करें कि उसको असला प्रोवाइड करें। मैं देखता हूँ किस तरह से इसराइल इसराइल पे भी तो चारों तरफ से कंट्रोल है ना। इसराइल तो अपने एक मिसाइल का टेस्ट भी नहीं करता। यही मैं कह रहा हूँ, फलस्तीन जो है उसकी भी तो सरदे मुसलमान मुल्कों से लग रही है ना, वहां से उसको दे, उसको इमदाद दे, उसको असला दे, उसको सोफिस्टिकेटेड वेपन दे। और ये यूएनओ और ये जो वेस्ट है, ये यूरोप है, ये कितनी ज्यादती है कि पैलेस्टाइन वाले असला नहीं रख सकते और इसराइल जो मस्जिद के साथ करता है। तो असल चीज ये है कि हमें चाहिए कि इनको इनकी इस तरह से मदद करें, उनको वो लड़ सके। मासूमाना सोच पे मुझे है, मैं हैरान हूँ। आप ये कहेंगे कि सऊदी अरब जो इसराइल से असला खरीदता है वो हमास को असला देगा, और कई ममालिक कर सकते हैं। आप सिर्फ एक काम कर लें, इसराइली मसनूआत का बायकॉट कर दें, 57 मुल्क बायकॉट कर दें, क्या मर जाएंगे हम? और उसके साथ साथ ये ऐलान करना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक जो है वो फिलिस्तीन के मुसलमानों की असले के वाले से मदद करेंगे, उनको असला पकड़ाया जाएगा अगर इसराइल बात कर रहे हैं तो। सर ये तो करना पड़ेगा आपको, अगर आप, मैं ये कहता हूँ यूएन और अमेरिका बाकी आ जाएंगे, वो कहेंगे हम दहशतगर्द आपको कर रहे हैं, आपको ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे, आपको फाटे में डाल देंगे, आपकी बैटरी बैन कर देंगे, आपकी सफरी पाबंदियां लगे। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, जहाँ पर जमहूरियत नहीं, सुन तो नहीं, छोटी बात, जहाँ जमहूरियतें नहीं है, जहाँ बादशाहतें कायम है, जो क्या कर लिया है आप अपना कश्मीर तो आज तक ले नहीं सके, आप इसराइल पे क्या जाके करेंगे? मैं तो समझता हूँ हम खाली यही नहीं, हम अरब अरबों को तो रगड़ा लगा रहे हैं, हमने क्या किया? हमने क्या पाकिस्तान, हमने कश्मीर में क्या कर लिया? मेरा एक सवाल है, हम कोई कश्मीर उनसे आपका सवाल जो है ना, मुझे आपने लाजवाब कर दिया, बगैर थी तो हमने मसला ये है। मैं हमने कितनी जगह लड़ी, 48
उसके बाद 65 भी लड़ी है सर, कारगिल किसके लिए लड़ा है? मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के, कश्मीर के मुसलमानों का खिलाफी तो वो भी कर रहे हैं, लड़ के सर पाकिस्तान, पाकिस्तान यही भारत से लड़ रहे हैं। सुन ले, सबसे दुनिया का आसान तरीका जो है ना, वो किसी चीज को ट्विटर के जरिए से या कंडेम करना है, दुनिया का सबसे आसान वो चाहे अमेरिका के अंदर भी किसी इलाके में कुछ हो जाए तो उसको आप ट्विटर के जरिए कंडेम कर देंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो 62 मुसलमान ममालिक का वो यही कर रहे हैं, वो आपका ख्याल है आप तौर पर ये जो एहतजाज हुए हैं अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप में, आपके ख्याल इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? इसराइल आजाद हो गया, इसराइल आजादी ले ली, इसराइल की फौजें पीछे चली गई, वो जो दुनिया का क्या प्रेशर आया? उसामा साहब मैं ये कहता हूँ, आप ये दीवार है इस पे सारा दिन इसराइल के खिलाफ लिखते रहे, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसराइल को क्या फर्क पड़ेगा? आप इस प्रोग्राम, आप दोस्तों प्रोग्राम कर राय अमा क्या अहम होती है? इसराइल बनाई, दुनिया के सारे ममालिक ने कश्मीर के हवाले से कंडेम किया, तो क्या वो 370 का स्टेप वापस हो गया? सामा साहब अगर भारत पर दबाव आया, कोई दबाव नहीं है सामा साहब, दबाव आता तो वो 370 वापस कर लेता, और इसराइल पे दबाव आता तो अपनी फौजें वापस कर लेता, वो तो उन्होंने तो अपने दस्ते वहां पर बढ़ा दिए, अपनी फौज बढ़ा दी है। अब वो जो मिसाइल अटैक हुआ, वो एक एक घर की तलाशी लेगा वहां से। भारतीय बाहर जाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है पूरी दुनिया में, उसामा साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी दहशतगर्द था, मैं ये कोई हल नहीं है कि आपके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है तो आप दूसरा मुंह, आपके ख्याल है कि सारे मुल्क मिलकर कोई जंग लगा दें इसराइल से, ये मुमकिन है कि एक फोर्स बनाए उसको थ्रेट कर हमला कर दे? हमने जिहाद है, इस्लाम है, बिलीव करते हैं उसके ऊपर? कोई नहीं सर, उसके बाद इस्लाम मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल नहीं है तो डूब मरे किस बात के मुसलमान है? कौन सी आप मुसलमानी की ठेकेदारी लेके फिर रहे हैं? इस्लाम है, कताल हो रहा है, करने का हुक्म है, कुरान कहता है कि मैं कह रहा हूं मासूम लोगों की जान बचाना फर्ज है, और जाबर जालिम उनका हाथ रोकना फर्ज है, फर्ज है। हम ये नहीं कह रहे मारे इसराइल को, क्या फलस्तीनियों को जो मार रहे हैं, मुसलमानों को मारे, माँ बहनों भाइयों को बेटियों को जो बच्चों को मार रहे हैं, क्या उनका हाथ रोकना नहीं? हमें इस्लाम कहता है रोकना चाहिए ना, बिल्कुल बजोरे बाजू रोक सकते हैं, बिल्कुल डूब मरने का मकाम है यार। आपने 53 दो अरब की बात है, अव्वल के अंदर अगर खून रेजी और कितने बंदे मुसलमानों का इसराइल की तादाद कितनी है, उनको जख्मी किया गया, तो क्या क्या सारी दुनिया के लोग चुप करके एक मिनट ठहरे, इसराइल के कितने लोग हैं? मेरा ख्याल है करोड़। गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो अब देता हूँ मैं अपना रिएक्शन। गाइस ये है हसन साज, इनको आप ट्विटर पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये यूएई के हैं, ये यूएई के हैं, और ये बता रहे हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले इतने सारे पत्थर कौन लाया। इन्होंने ये ट्वीट किया, ये इशारा था जो इसराइल में हो रहा है अभी, उसकी मतलब आग में पहली चिंगारी का, मतलब जो फिलिस्तीनी थे वो अल अक्सा मस्जिद में गए पत्थर के साथ, और उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ी और उसके साथ उन्होंने कर दी पथराव इसराइल फोर्सेस पर, और वो चाहते थे कि ईद या रमज़ान महीने तक ऐसा कुछ बड़ा हो जिससे सारी दुनिया का अटेंशन उन पे आए, और ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। आपको बता दें इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा बड़ा जटिल है, पुराना है, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप अपनी रिसर्च पे जाकर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पढ़ें, ना कि इस साइड वाले से ना उस साइड वाले से, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो मसला क्या है। तो गाइस जेरूसलम आप जानते हैं, जेरूसलम इसराइल यहूदियों के लिए पवित्र स्थान है, मुसलमानों के लिए भी पवित्र स्थान है, और क्रिश्चियन के लिए भी पवित्र स्थान है। एक्चुअली में ये मतलब सभी के लिए पवित्र स्थान है, लेकिन ये मतलब हो क्या रहा है, तो इसके बारे में आप प्लीज़ जाके अच्छे से इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पढ़ें, मैं आपसे क्लियर बोल देता हूँ। तो गाइस जो अभी सिचुएशन हुई है इसराइल में, फिलिस्तीन में, उस सिचुएशन को लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों के मुसलमान काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और इस पे कई सेलिब्रिटी भी पोस्ट कर चुके हैं, जैसे कि इरफान पठान ऐसे सेलिब्रिटी हैं, मतलब आप जानते हो क्रिकेट के, मतलब बहुत जाना माना नाम है। इन्होंने अफ़गानिस्तान में अभी कुछ दिन पहले एक अटैक हुआ दाइश का, दाइश बेसिकली एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम है, अपने आप को बोलता है मुस्लिम और है भी, अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ता है। उसने अटैक किया हजारा, जो सिया कम्युनिटी है, सिया मुस्लिम है, उसमें अभी तक 70 लोग मारे गए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। गर्ल बच्चियां थी छोटी छोटी, स्कूल में हमला किया गया, उस पर इनका ट्वीट नहीं आया क्योंकि वो सिया मुस्लिम थे। मतलब आप समझ सकते हो गाइज, ऐसा ही कुछ पश्तूनिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में
और क्वेटा में ये होता रहता है सियाओं की किलिंग, भारत में नहीं होता, भारत में सब सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी ये रोएंगे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। इनका कोई रिएक्शन नहीं आया। इरफान पठान जैसे लोगों ने आंसू निकाले आज फिलिस्तीन को लेकर, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, स्वरा भास्कर और एक और वो जो बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, मैं तो कईयों के नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, ये सब रो रहे हैं। और अपोजिट में क्या हो रहा है, राइट विंग वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में इतनी दरारें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लेफ्ट विंग वाले मुस्लिम अगर गाय काट कर सेलिब्रेट करते हैं, गाय खा कर बोलते हैं कि हम ये गाय खाते हैं, तो राइट विंग वाले चिढ़ते हैं, तो भाई उनका भी रिएक्शन इसी तरीके का आएगा। आप उनका दुख इनका सुख, इनका दुख उनका सुख, ये तो होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, इसमें कोई मानवता नहीं है। वैसे भी हमें इसराइल और इसराइल फिलिस्तीनियों से लेना क्या, हमसे तो 5,000 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस है, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ के लोग बहुत दुख में हैं और एक तरफ के लोग सुख में हैं, तो ये इसमें ये तो ह्यूमन नेचर है, आप जिसको डिसलाइक और लाइक करते हैं तो वो होगा। तो गाइज इसराइल के बारे में अब क्या कहना, आपने पाकिस्तानियों से ही सुन लिया कि वो एक का बदला 100 को मारकर लेते हैं और ये वो कर भी रहे हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों वो कितने डेंजरस हैं। मोसाद की आप स्टोरी अभी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।